हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मार्केट में मिलने वाले लेज जैसे स्वादिष्ट और क्रिस्पी चिप्स, वो भी घर पर बिना किसी झंझट के। तो इन चिप्स को बनाना जितना आसान है, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए फटाफट से चिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है 3 मीडियम साइज के आलू और इनके छिलके को छील लिया है। तो अब हम इनके चिप्स कट करेंगे। आप आलू अपने फैमिली के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चिप्स कटर लिया है, इधर है डिज़ाइन वाला ब्लेड और इधर है सिंपल ब्लेड। तो हम डिज़ाइन वाली चिप्स कट करेंगे। अगर आपको सिंपल वाली चिप्स पसंद है तो आप वो भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लेज वाली चिप्स बना रहे हैं इसलिए हम डिज़ाइन वाली ही बनाएंगे, क्योंकि लेज वाली चिप्स जो होती हैं वो डिज़ाइन वाली ही होती हैं। तो अभी हमने एक ही आलू के चिप्स कट किए हैं और आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी चिप्स कट करके तैयार हुई हैं। तो सारे आलू हम फटाफट से इसी तरीके से कट कर लिए हैं और अब हम इनको 2-3 बार पानी से अच्छे से धुल लेंगे, जिससे इसका स्टार्च सारा निकल जाए। तो सारी चिप्स को हमने अच्छे से धुल लिया है और हमारी चिप्स आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में और अब हम इनको सुखाएंगे। तो पंखे के नीचे हमने एक कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है और अपनी एक एक करके सारी चिप्स जो है इस पर फैला देंगे। तो चिप्स हमें धूप में नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे ही बस 10 या 15 मिनट के लिए सुखाना है। तो सारी चिप्स को हम इसी तरीके से फैला देंगे। तो कपड़े पर हमने अपनी सारी चिप्स को फैला दिया है अच्छे से और अब हम इन्हें तब तक अच्छे से सुखाएंगे जब तक कि इनमें का पानी अच्छे से सूख न जाए। अगर आपके पास 10-15 मिनट रुकने का टाइम नहीं है तो आप एक कॉटन का कपड़ा लीजिए और इस तरीके से प्रेस करते हुए सुखा सकते हैं, आपकी चिप्स खूब बढ़िया से सूख जाएंगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं चिप्स को हमने बढ़िया से पोंछ लिया है और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो सारे चिप्स को हम एक बॉल में उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये चिप्स धूप में नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे 10-15 मिनट रख दीजिएगा, इनका पानी सूख जाए, बस इतना ही हमें सुखाना है। तो चिप्स में लेस जैसा टेस्ट डालने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच पानी और 1 चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं और पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर गैस पर हमने रिफाइंड ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए और इधर रिफाइंड ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया था। तो अब हम इसमें डालेंगे चिप्स। तो एक बार में जितनी चिप्स आएंगी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इनको हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी चिप्स थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लगी हैं। तो अब हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच वही हल्दी नमक वाला पानी डालेंगे। इससे क्या है कि हमारे चिप्स में थोड़ा थोड़ा नमकीनपन आ जाएगा और हमारी चिप्स जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो चलिए इनको हम थोड़ा सा और क्रिस्पी करेंगे, उसके बाद इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो चिप्स को हमने बढ़िया से फ्राई कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आ गया है हमारी चिप्स में। तो अब हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे और हमारी चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनी है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रही हैं देखने में। तो इसी तरीके से हम बाकी की बची हुई चिप्स भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप चिप्स फ्राई कर रहे हैं तो अपने गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें, इससे आपके चिप्स जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप लो फ्लेम पर चिप्स फ्राई करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयल सोख लेंगी और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो फिर आपकी चिप्स जो है जल जाएंगी ऊपर ऊपर से या फिर जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी दोबारा वाली चिप्स भी हल्की सी गोल्डन हो गई हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे वही नमक और हल्दी वाला पानी। तो नमक और हल्दी वाला पानी आप तभी डालें जब आपकी चिप्स हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे। तो बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, बस 1 ही चम्मच काफ़ी है आपकी चिप्स में क्रिस्पीनेस लाने के लिए और नमक का टेस्ट लाने के लिए। तो चिप्स हमारे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं कढ़ाई से और आप लोग देख सकते हैं देखने में ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रही हैं। तो इसी तरीके से हमने अपनी सारी चिप्स जो है फ्राई कर लिए हैं और ये लास्ट वाली चिप्स बची थी इन्हें भी फ्राई कर लिए हैं, निकाल लेंगे एक थाली में। तो आपको आवाज़ सुनकर तो पता चल ही गया होगा कि हमारी चिप्स जो है कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है
और बहुत ही टेस्टी भी लग रही हैं देखने में, और खाने में तो टेस्टी थी ही। तो एक चिप्स हम आपको तोड़कर दिखा दे रहे हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों के लिए टेस्टी और क्रिस्पी चिप्स बना सकते हैं, और ये हेल्दी भी हैं क्योंकि हमने इनको घर पर बनाया है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।